हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 8.1 के 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इसका 13th क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। हमें ये बताना है कि ये जो टर्म है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये जो है 64 से डिवाइड होती है। तो इसको करने का तरीका देखिए, हमारे पास है, हमें ये बताना है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये जो टर्म है ये 64 से डिविजिबल होती है, ये मैं प्रूव करना है। अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, यहां पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे, रफ में देखिए, जैसे 9 की पावर n प्लस 1 है, इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, बिकॉज 1 प्लस 8 वापस कितने हो जाएंगे, 9 ही हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 1, b की जगह आ जाएगा 8 और n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1। फिर हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 की जगह लिख लेंगे 1 प्लस 8, इसकी पावर आ गई n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। यहां फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी की पावर n। तो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, एन सी नॉट, एन की जगह क्या है यहां पे n प्लस 1, एन सी नॉट a की पावर n प्लस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1, n की जगह n प्लस 1 था और a काम करते हैं माइनस 1, साथ में क्या लिखते हैं उसमें b, b क्या यहां पे 8 प्लस एन सी 2 होता है तो n की जगह n प्लस 1 है, c 2 a की पावर n माइनस 2, n खुद ही n प्लस 1 है माइनस 2, और साथ में b स्केयर, b कितना है 8, 8 स्केयर। एक और लिख लेते हैं, n प्लस 1 c 3, 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 और 8 का क्यूब प्लस सो वन, क्योंकि इसी तरह से आगे टर्म्स चलती जाएंगी, n प्लस 1 तक हमें सारी नहीं लिखनी, हमने 3-4 तक लिखनी अगले टर्म, और लास्ट में यहां तक बस सो वन खत्म हो गया, और बाकी ये क्या बच गया माइनस 8n माइनस 9, ये अपने आगे जो दो टर्म में साथ में थी वो एज इट इज आ गई। n प्लस 1 सी नॉट, n सी नॉट की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह क्या जाएगा 1, 1 की कुछ भी पावर करेंगे वो भी कितनी हो जाएगी 1, प्लस एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है एन सी 1 की वैल्यू एन ही होती है, तो एन प्लस 1 सी 1 की क्या हो जाएगी एन प्लस 1 ही हो जाएगी 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, 1 की पावर एन, 1 की कुछ भी पावर करे तो क्या आता है 1 ही आता है, साथ में 8 है तो 8 आ जाएगा, प्लस इसको एज इट इज रहने दो, इसको चेंज नहीं करना, एन प्लस 1 सी 2, ये 1 की हम जब इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1 आ जाएगा, 1 की पावर एन माइनस 1, 1 की कुछ भी पावर करें तो वो क्या होता है 1 ही होता है, और 8 का स्क्वायर लिख लीजिए इसको, प्लस इसको भी सेम रहने दीजिए एन प्लस 1 सी 3, यहां पे फिर से 1, 1 की कुछ भी पावर होगी 1 ही आएगा, 8 का क्यूब प्लस सो 1, और लास्ट में कितना आ गया माइनस 8 एन माइनस 9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पे हमने वही फार्मूला यूज किए, एन सी नॉट की वैल्यू क्या होती है 1, एन सी एन की वैल्यू 1 और एन सी 1 की वैल्यू n, यही तीन फार्मूले हमने जो है यहां पे यूज किए, सी नॉट वाले में सी 1 वाले में, लास्ट वाले तो हमें जरूरत नहीं पड़ी यूज करने की, हमने इसको सो 1 में लिख दिया, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस यहां पे आपका 8 वन 8, 8 को जब n से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8, पहले हमने 8 को n से किया 8n हो गया, फिर 8 को 1 से किया तो 8 आ गया, बिकॉज ये तो पहले ही 8 वन 8 बन गया, प्लस n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब प्लस सो 1, और लास्ट में क्या माइनस 8n माइनस 9। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस का 8n और ये माइनस का 8n क्या हो गया कैंसिल, ये 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, और ये 9 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 8 प्लस 1 प्लस का 9, ये माइनस का 9, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब प्लस सो 1। अब आपको पता है, देखिए इन दोनों टर्मों में से 8 स्क्वायर आया यहाँ पे 8 क्यूब आया, इसी तरह से जो नेक्स्ट होती है उसमें 8 की पावर 4 होती, फिर जो नेक्स्ट होता है उसमें 8 की पावर 5 होती, तो 8 सभी में आना था, हम इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए
यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 8 का स्क्वायर, दोनों में से यहां भी 8 स्क्वायर है कॉमन आ जाएगा, यहां पे 3 है, दो बाहर आ जाएंगे, एक तो भी बच जाएगा, तो यहां से बचेगा एन प्लस वन सी टू, ये तो कॉमन आ गया, प्लस एन प्लस वन सी थ्री, और साथ में एक 8 बचेगा प्लस 1। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 64, यह आ जाएगा एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री इंटू 8 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। फिर से देखिए ये 8 प्लस 1 जो है पॉजिटिव का 9 बनेगा या माइनस का 9, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहां पे हमने जो बाकी टर्म बची वो लिख ली। अब हमने देखना है कि इनमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 8 का स्क्वायर जो है वो दोनों में से कॉमन निकल रहा है। फिर 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 64। अब लेफ्ट साइड लिखिए, लेफ्ट साइड हमारी क्या चल रही थी, ये तो रफ में है आपको बताने के लिए बताया था, रफ में था 9 की पावर एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए 64 जो है इस टर्म के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, कोई भी चीज अगर उस तरह मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, यहाँ से क्या जाएगा 9 की पावर एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9, 64 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी 2 प्लस एन प्लस 1 सी 3 इंटू 8 प्लस 1। हमें यही बताना था कि ये जो टर्म है इज डिविजिबल बाय 64, तो यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इट मीन्स जो ये टर्म है ये किससे डिवाइड हो रही है 64 से, लास्ट में देना हैंड्स लास्ट में या देयरफॉर लास्ट में, देयरफॉर 9 की पावर एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, ये इसका आंसर है। आपने बस क्या करना है, जो पहले वाली टर्म है इसको एक्सपेंड कर लेना है, 9 को ब्रेक क्या करना है 1 प्लस 8, फिर इसमें बाइनोमियल फिर उनकी स्टेटमेंट लगानी है, और जो लास्ट की दो टर्म है वो साथ में एज इट इज आएंगी, फिर आगे जाके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो बाकी टर्म बचेंगी उनमें से आपने 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब कर लीजिए 512 आएगा, उन दोनों में से 64 कॉमन निकाल दीजिए, एक ही बात है, चाहे 8 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे उसका मतलब भी 64 है, तो अगर अलग से आप 64 पहले निकाल लो, लिख के निकालोगे वो भी ठीक है, फिर आपने 64 को जो है लेफ्ट साइड ले आना है, उधर वो मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमें प्रूव करना था कि ये टर्म जो है डिविजिबल है 64 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट समेशन, ये सिंबल जो है समेशन का है, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन 3 की पावर आर एन सी आर इज इक्वल टू 4 की पावर एन, हमें ये प्रूव करना है। समेशन का मतलब जब हम इसमें आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक पुट करेंगे और सबको प्लस करें तो इतना बनना चाहिए हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या कर दिया, LHS ले लिया, LHS क्या है, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन 3 की पावर आर एन सी आर। इसमें क्या करते हैं, समेशन में सबसे पहले हम r की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर r की जगह हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले r की जगह 0 पुट कीजिए, क्या बन जाएगा ये 3 की पावर 0 एन सी 0, फिर 1 पुट करेंगे 3 की पावर 1 एन सी 1, फिर 2 पुट करेंगे 3 की पावर 2 एन सी 2 प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या पुट कर देंगे 3 की पावर n एन सी n, ये हमने पुट कर दिया। r की जगह पहले 0 फिर आर की जगह 1 फिर 2, इस तरह से 3 की पावर 0 इज 1 एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, तो ये हमारा आ जाएगा एन सी नॉट। इसको लिख लेते हैं, पहले एन सी 1 लिख लेते हैं, फिर 3 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 3, यहां पे पहले एन सी 2 लिख लेते हैं, और सब ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर है, प्लस लास्ट क्या है एन सी एन 3 की पावर एन। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है पूरी, हमारी जो आई है टर्म आई है, ये किसकी एक्सपेंशन है, बाइनोमियल थ्योरम में ये किसकी एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन होती है 1 प्लस 3 की होल पावर n, इसकी एक्सपेंशन होती है। ये कैसे होती है, हम इधर रफ में करके बताएंगे आपको कि ये एक्सपेंशन मतलब इसको अगर हम एक्सपेंड करें बाइनोमियल से तो ये बनता भी है, ये बन भी जाएगा। अब देखिए रफ में देखिए, जैसे यह है 1 प्लस 3 की पावर n, मैं यहीं पे कर देता हूं 1 प्लस 3 की पावर n, ये रफ में है, आप लोग फेल कॉपी पे साइड पे नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, a कितना है 1, b इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 1, जब बाइनोमियल लगाते हैं तो क्या करते हैं एन सी नॉट ए की पावर n, एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 b, एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, प्लस
एन सी थ्री या सो वन लास्ट लिख लेते हैं एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन बी की पावर एन। अब इसको देखिए क्या बन जाएगा, एन सी नॉट को एन सी नॉट वन की कुछ भी पावर होगी तो वन ही आएगा, यहां पर क्या जाएगा एन सी वन वन की कुछ भी पावर होगी वन, बाकी थ्री बचेगा, प्लस एन सी टू ये थ्री का स्केयर और सो वन टू लास्ट क्या बन जाएगा एन सी एन थ्री की पावर एन, बिकॉज ये एन माइनस एन क्या हो जाएगा जीरो, एन जी रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये बन जाएगा। अब देखिए ये भी टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, एन सी नॉट एन सी वन थ्री एन सी टू थ्री स्केयर एन सी एन थ्री की पावर एन, मतलब ये हमने किसको एक्सपेंड करके आई है, इसको एक्सपेंड करके आई है, मीन्स हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो वही हमने किया इसकी वैल्यू लगा दी। अब ये सारा जो काम था आपका ये किसमें था, ये रफ में था आपके समझने के लिए, ऐसे इसी रफ में वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर, ये क्या बन जाएगा फोर की पावर एन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, summation r is equal to 0 to n 3 की पावर r n c r is equal to 4 की पावर n, ये आपका जो है आंसर है, और ये आप किसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 भी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और फिर देखना है वो जो आपकी लास्ट में बन जाएगी टर्म बनेगी पूरी वो किसकी एक्सपेंशन है, वो हमने रफ में चेक कर लिया, वो 1 प्लस 3 की होल पावर n की एक्सपेंशन है, हमने इसकी जगह वैल्यू लगा दी, वन प्लस थ्री जो है जब प्लस करेंगे तो कितना बनता है फोर विच इज इक्वल टू आर एच एस। 8.1 इज कंप्लीट, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे उसकी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, फिर हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।